नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी रिसेंटली एक समिट हुआ था जहां म्यूचुअल फंड को ये बताया गया कि म्यूचुअल फंड जीडीपी के 12% पे लगभग आ गया है। तो इसका एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। म्यूचुअल फंड का लगभग अभी एसेट जो है 32 लाख करोड़ है और ऐसा कहा जा रहा है अब कि वो जीडीपी का 12% है। ये पैसा जो है 32 लाख करोड़ जीडीपी टोटल जो अपना है उसका 12% है। तो 12% 32 लाख के बराबर है। तो 100% अगर देखा जाए कि जीडीपी मुझे निकालना है कि जीडीपी टोटल कितना है, तो 12% इक्वल टू 32 लाख, तो 100% इक्वल टू होगा 32 / 12 × 100, 266 लाख करोड़ हमारा पूरा जीडीपी है। अगर इस फॉर्मूले पर देखा जाए तो टोटल हमारे देश का जीडीपी है 266 लाख करोड़, और ये रुपये में है, डॉलर में नहीं है। वहीं अगर हम यूएस का तुलना करें तो यूएस का जीडीपी है 1564 लाख करोड़। वहां के म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी के तौर पे देखा जाए तो जीडीपी का वो 103% है। कहां हम 12% पे हैं और वो 103% पे है। मुझसे कोई ये पूछे कि आप क्या चाहते हो राजू, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियली एजुकेट करके, लोगों को मोटिवेट करके इसमें 1% का और इजाफा कर सकूं। आप देख सकते हैं कि 12% से लेके 103% तक हमें आना है, तो कितना लंबा जर्नी है हमें तय करने के लिए। आपको इस तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन जानना है, फाइनेंशियल एजुकेशन पाना है, तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या star sip.in के साइट पे जाके मिनिमम 100 रुपया का SIP कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।